आज हम इस विश्व में जन्म लिए एक बहुत ही महान व्यक्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और ये व्यक्ति हमारे अपने देश में जन्मे व्यक्ति नहीं है, लेकिन इनकी कहानियां, इनकी बातें और इनसे जुड़ी हुई जो इनके संघर्ष की कहानी है, विश्व के हर एक कोने में लोगों को पता है। और संघर्ष की जब बात होती है और कठिनाई की जब बात होती है, तो ये एक जगह या दूसरे जगह के लोगों तक सीमित नहीं रह जाती। हर समाज में, हर देश में, हर वर्ग में, हर जाति में, हर भाषा में लोगों को तकलीफ और तकलीफ से बाहर निकलने की जरूरत पड़ती है। तकलीफ होती है और तकलीफ से वो बाहर भी निकलते हैं। मैं बात कर रहा हूं नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के एक महान नेता रहे हैं, और इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ किया अपने समाज के लिए और मानवता के लिए। किस प्रकार से नेल्सन मंडेला के तकलीफ के कारण, जीवन में जितना भी तकलीफ नेल्सन मंडेला ने झेला, और उस तकलीफ और संघर्ष से उनने न जाने कितने लोगों को इंस्पायर किया होगा, बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया होगा कि हार नहीं मानना चाहिए। और कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये तो सच है। तो हम आज इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से नेल्सन मंडेला ने अपने देशवासियों के लिए, अपने मातृभूमि के लिए, समाज के कल्याण के लिए, समाज के भलाई के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के तकलीफ को न महसूस करते हुए और अपने जीवन को एक बलिदान के रूप में डिवोट करके वो कैसे आगे बढ़े, और उन्होंने ऐसा क्या क्या किया, और विषय तकलीफ का कारण क्या था, ये समझना जरूरी है। पर हम एक कथन और एक बात के साथ आगे बढ़ते हैं जो यहाँ पे लिखा गया है। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने, नॉन व्हाइट राष्ट्रपति बने, श्वेत व्हाइट लोगों को कहा जाता है। और ये साउथ अफ्रीका की इतिहास में एक अद्भुत घटना थी। नेल्सन मंडेला की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC को अद्भुत संख्या में सीटें मिली, 400 सीट थी, जिसमें से 252 सीट अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को मिला, जिसके वो मुखिया थे, जिसके वो लीडर थे। इसी के साथ अफ्रीका के इतिहास में पहली बार यह परिस्थिति उत्पन्न हुई कि ब्लैक लीडर, अश्वेत लीडर वहां का राष्ट्रपति बनेगा। ये एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि आखिर में नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति बनने वाली बात, या फिर अश्वेत व्यक्ति को, नॉन व्हाइट व्यक्ति को जो गोरा समाज का नहीं है, उसको राष्ट्रपति अगर बनने की बात हो रही है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसको समझने के लिए इतिहास में जाना पड़ेगा। यहां पता चलेगा कि किस प्रकार से अश्वेत लोगों के अगेंस्ट में किस प्रकार से श्वेत लोगों ने, या फिर एक तरह से एक विशेष समाज के लोगों ने एक समय में किस प्रकार से उत्पीड़न किया था, कैसे उन लोगों को परेशान किया था, कैसे उन लोगों को तकलीफ देने का काम किया था। और उसी तकलीफ, उन्हीं तकलीफों के कारण जो अश्वेत लोग थे, जो ब्लैक पीपल थे या कलर्ड पीपल थे, कलर्ड उनको कहा जाता है जैसे ना ब्लैक है ना एकदम से गोरे है, जैसे भारत के लोग, पाकिस्तान के लोग हो गए, चाहे एशिया के लोग हो गए, इनको कलर्ड व्यक्ति कहा जाता है। तो उस तकलीफ को जब समझेंगे तो पता चलेगा कि ब्लैक व्यक्ति की राष्ट्रपति वहां बनना कितना महत्वपूर्ण है, और वहां रंग भेद, जिसको अपार्थाइड कहा जाता है, रंग भेद, कलर के आधार पर अन्याय होता था। तू गोरा, तू काला, काला है तो तेरे को ऐसे जीना है, गोरा है तो तेरे को ये फैसिलिटी मिलेगी, ऐसी प्रकार की वहां पे सरकारी व्यवस्था थी। हमारे समाज में तो कम से कम एक
एक कुप्रथा के माध्यम से, जिसको भारत सरकार या सरकारी व्यवस्था कभी भी इनकरेज नहीं करती है। सरकार ने थोड़ी बोला है कि किसी के साथ अन्याय करो, लेकिन लोग कर देते हैं वो अलग चीज है। कम से कम सरकार उसके खिलाफ कदम उठाती है, पर वहां सरकार ही इसी प्रकार से चलती थी। तो ऐसे में बताओ, गोरे लोगों की संख्या अगर बहुत ज्यादा है, 90% 80% अगर गोरे लोग हैं, सॉरी ब्लैक लोग हैं, अगर 80% से ज्यादा ब्लैक लोग हैं और उनके साथ ही अन्याय मुट्ठी भर गोरे लोग कर रहे हैं, तो ये कहां से बर्दाश्त करने योग्य है। अगर उन्नति सिर्फ एक विशेष समाज का होगा और दूसरे समाज का नहीं होगा, और दूसरा समाज बहुत ज्यादा संख्या में है, तो वहां तकलीफ नहीं होगा। वहां पे लोग मर जीने के हद तक पार नहीं हो जाएंगे खुद को उस चंगुल से निकालने के लिए, उस तकलीफ से निकालने के लिए। कुछ ऐसा ही घटना नेल्सन मंडेला के साथ भी हुआ, जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये चुनाव आसान नहीं था मित्रों। चुनाव सुनना बहुत अच्छा लगता है। चुनाव ऐसा नहीं था कि उनको चुनाव में पहले भाग लेने को मौका मिला। उनको इलेक्टोरल सिस्टम जो होता है, वोटिंग सिस्टम में उनको भाग लेने का मौका ही नहीं मिलता था। काफी संघर्ष के बाद वहां नियम बनाया गया कि ब्लैक लोग भी अब चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि अगर उनको चुनाव लड़ने की इजाजत होती, 80% से ज्यादा वो लोग हैं, तो वो अपने समाज के लोग को तो वोट दे ही देते और उनका सरकार बन ही जाता। तो इसीलिए इस परेशानी से बचाने के लिए गोरे लोग ने ऐसा सिस्टम बना दिया था कि इनको चुनाव का अधिकार ही नहीं था, इनको वोटिंग करने का अधिकार ही नहीं था, और लीडर बनने का, चुनाव के माध्यम से चुन के आने का, निर्वाचन के माध्यम से, इलेक्शन मतलब निर्वाचन माध्यम से चुन के आने का अधिकार भी नहीं था। ये अधिकार कहां होता है? ये सारे अधिकार संविधान में होते हैं, यानी कि देश का कानून कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। हमारे देश के कानून का जो मेन किताब है, सर्वोच्च किताब, उसे संविधान कहा जाता है, भारत का संविधान। उसी तरह हर देश का संविधान है। तो उससे पहले जो गोरे लोग हुआ करते थे, और उन लोगों ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान के अनुसार जो काले लोग हैं या फिर जो अश्वेत लोग हैं, जो गोरे नहीं है, उनको बहुत सारे चीजों का अधिकार नहीं था। प्रॉपर्टी का भी अधिकार नहीं था। बहुत प्रकार की बातें हैं, ये सोशल स्टडीज में कभी आप लोग पढ़ लेना, पता चलेगा कि नेल्सन मंडेला, या फिर हिस्ट्री में पढ़ोगे तो पता चलेगा, मतलब ब्रिटिश ने जो भारत में लोगों के साथ किया था दबा के कुचल के रखना, वैसा वहां भी कुछ था मामला। आगे ये सारी चीजें तो उतनी फुल रेफरेंस में नहीं दी गई होंगी, इस संक्षिप्त में कुछ हल्का सा एक झलक दिखेगा, लेकिन इतिहास में नेल्सन मंडेला के बारे में आप लोग जरूर पढ़ना। दरअसल ये घटना है, एक एरिना, एक होता है ना बहुत बड़ा एक सीढ़ी जैसा, चारों ओर से लोग को बैठने का एक स्टेडियम की तरह। वो स्टेडियम तो ऐसे तो ग्राउंड से ऐसे उठ के होता है ना चारों ओर से, लेकिन कुछ गड्ढा करके नीचे की ओर भी जाते हैं ना, जहाँ पे जादूगर वगैरह कुछ कुछ दिखाते हैं, तो ऐसे जगह को एमपी थिएटर कहा जाता है या एरिना कहा जाता है, ठीक है। तो एक उद्घाटन समारोह, उद्घाटन का मतलब होता है किसी चीज को शुरू करना। अगर हमने एक शोरूम खोला तो शोरूम का फीता काटा जाता है ना पहला दिन, ओपनिंग, तो इसको इनॉगुरेशन कहा जाता है। तो एक इनॉगुरेशन सेरेमनी था, सेरेमनी मतलब समारोह, एक प्रोग्राम। और ये जो वहां की यूनियन बिल्डिंग थी, सरकारी एक बड़ा सा एक भवन था, सरकारी बिल्डिंग, वहां के एमपी थिएटर में थी, और जगह था प्रिटोरिया। और इस जगह पे होना क्या था वो तो आगे समझेंगे, बट समझ ये लेना चाहिए कि यहाँ पे राजनीति से जुड़े हुए लोग, नेता, पॉलिटिक्स वाले, और साथ में और 140 विश्व के अलग अलग देशों से गणमान्य व्यक्ति, महान जो पदाधिकारी है, बड़े बड़े व्यक्ति, डिग्निटरी, सम्माननीय व्यक्ति, वो आए हुए थे। और वहां पे नेल्सन मंडेला ने भाषण देते हुए कुछ कहा, उसकी एक दो बातें मैं, उनकी एक दो बातें उस भाषण की बोलना चाहता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब ये वहां पे किस चीज का उद्घाटन हो रहा था, इनॉगुरेशन हो रहा था, किस चीज की ओपनिंग हो रही थी, किस बात पे भाषण नेल्सन मंडेला ने दिया,
आखिर में ऐसा कौन सा बड़ा घटना हो रहा था कि साउथ अफ्रीका में 140 देश के लोग उस घटना को देखने गए, जिनमें से बहुत सारे लोग नेता थे। सोचने वाली बात है, क्या वहां कोई क्रिकेट का मैच हो रहा था या कोई वहां पे सर्कस चल रहा था? अब हम देख रहे हैं कि इसमें हो क्या रहा था, इसको समझने की बात है। हम समझने का प्रयास करते हैं। नेल्सन मंडेला ने वहां कहा, जो भी जन समारोह, जो जन सैलाब वहां आया हुआ था, उस समारोह में जनता जो आई हुई थी, पब्लिक जो आए हुए थे, नेता जो आए हुए थे, उनको बात बोलते हुए उनको संबोधित करना, एड्रेस करने का मतलब होता है संबोधित करना। जब हम किसी को खड़ा होकर मंच पे कुछ बोलते हैं तो इसको कहते हैं एड्रेस करना, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति ने अगर नेताजी आके कुछ मंच से बोल के चले गए स्टेज से, तो हम कहें नेताजी ने हम लोगों को एड्रेस किया, ठीक है। एड्रेस करना मतलब बोलना। नेल्सन मंडेला ने वहां जमा हुए, वहां पे उपस्थित जो वहां के उस एमपी थिएटर यानी कि उस एरिना में बैठे हुए, एक तरह से एक स्टेडियम टाइप का मान लो, लोगों को बोलते हुए कहा, फिर कभी नहीं हमारी इस खूबसूरत भूमि में, फिर कभी भी हम हमारे इस खूबसूरत भूमि में एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरे व्यक्ति की उत्पीड़न को हम अनुभव नहीं होने देंगे और ना ये कभी होगा। नेल्सन मंडेला ने कहा, जो हो गई सो हो गई, अब ना हम किसी को कुचलेंगे ना कोई हमें कुचलेगा, ना हम दबाएंगे किसी को ना कोई हमें दबाएगा। अब हमारे इस खूबसूरत सुंदर भूमि में, हमारे देश में यह नहीं होगा। नेल्सन मंडेला ने इस बात को कहा, आखिर ऐसा कौन सा बात था? क्या पहले लोगों को कुचला जा रहा था या लोग परेशान थे, और उस परेशानी से नेल्सन मंडेला ने लोगों को किस तरह निकाला? उस वक्त कौन कौन लोग उनके साथ में आए, और इस परेशानी से निकलने के बाद क्या नेल्सन मंडेला के मन में प्रतिशोध, बदला का भाव आया कि उन्होंने जो हुआ सो हुआ, छोड़ो गोरे लोग भी हमारे देश के ही नागरिक हैं, भूल जाओ पुरानी कहानी? क्या ये उन्होंने सोचा कि मिल माल के ही रखा जाए, मिल बांट के ही देश को चलाया जाए? ये सारे प्रश्न का उत्तर इतिहास में मिलेगा मित्रों, और हो सके तो यहां जो भी कुछ लिखा होगा उसके संकेत से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। उस दिन ये जो शहर था मित्रों, प्रिटोरिया, यहां एक बात बहुत बड़ी संकेत दे रही है मित्रों, कि नेल्सन मंडेला ने जब वो नेता बने, जब ब्लैक लोगों की सरकार आई, गोरे लोगों की सरकार हट गई, 40 सीट से 252 सीट वहां के लोकल जनता की जो गवर्नमेंट बनी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की, अफ्रीकाई नेशनल कांग्रेस जो था उसकी सरकार बनी, उसके बावजूद नेल्सन मंडेला ने कभी भी अत्याचार नहीं किया। वो चाहते तो सारे गोरे लोगों को परेशान कर सकते थे, उनको जेल में डाल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका सबूत चाहते हो मित्रों, तो मैं देता हूं। उसी दिन हुआ क्या कि खुशी का उत्सव मनाया गया, हमारे साथ किसी ने क्या किया यह नहीं सोचा गया, अब हमको क्या मिल गया यह सोचा गया, किसने परेशान किया यह नहीं सोचा गया, अब परेशानी के दिन गुजर गए ये सोचा गया। जब ऐसा सोचा जाता है तो उत्सव मनाया जाता है, फेस्टिवल मनाया जाता है, खुशियां मनाई जाती है, डांस किया जाता है, गाना बजाया जाता है, भजन गाया जाता है। तो मित्रों कुछ ऐसा ही हुआ, जरा सुनो आगे, आनंद लो। उस दिन हुआ ये, एक तरफ तो ये समारोह था, प्रोग्राम, सुन रहे हो ना, एक तरफ तो प्रोग्राम था और दूसरी ओर उस दिन पूरे शहर में लोग आनंद मना रहे थे, मजा ले रहे थे। ये कैसे पता चल रहा है? तो यहां लिखा गया है इसे चैप्टर 2 के नीचे की ओर जो बॉक्स है, कि जो सड़कें थी प्रिटोरिया शहर की, उस प्रिटोरिया शहर में हर्ष और उल्लास का भाव था। हर्ष और उल्लास मतलब खुशियों का फीलिंग था सभी लोगों के चेहरे पे। कैसे पता चला? तो सड़कों पे न सिर्फ ब्लैक लोग, क्योंकि साउथ अफ्रीका में ज्यादा से ज्यादा काले लोग की संख्या है,
ब्लैक व्हाइट लोग तो इंग्लैंड या दूसरे देश से आके वहां बस गए थे, जैसे भारत में कब्जा कर लिए थे। तो न सिर्फ व्हाइट लोग, न सिर्फ ब्लैक लोग, बल्कि कलर्ड लोग भी। कलर्ड उनको कहा जाता है जो भारत पाकिस्तान ऐसे न पूरे गोरे हैं न पूरे काले जैसे हम लोग। तो वैसे लोग सड़क पे बाहर आए, गोरों ने भी सेलिब्रेट किया मित्रों कि छोड़ो भाई गलत राजनीति के दिन गुजर गए, इन बिचारों को आजादी मिल गया। ब्लैक लोगों की आजादी को मनाने के लिए उत्सव के रूप में, ब्लैक लोगों के उत्सव को मनाने के लिए गोरे लोग भी आए। और मैं बता दूं उस वहां पे जो रंग भेद के आधार पे, रंग के आधार पे भेदभाव जो था, वैसे सरकार चलाई जाती थी मित्रों। मैंने पहले भी कहा उस सरकार को अपार्थाइड गवर्नमेंट कहा जाता था, और जो व्यवस्था चल रही थी, प्रणाली चल रही थी, सिस्टम चल रहा था, उसे अपार्थाइड सिस्टम। मतलब कहीं कहीं बंदूक से लोग सरकार चलाते हैं, बंदूक के दम पे उग्रवादियों का, लेकिन वहां पे रंग के भेदभाव पे सरकार चल रहा था। बात को समझना जरूरी है। अब एक व्यक्ति का क्या गलती है, वो अगर वो काले लोगों के समाज में जन्म लिया, ब्लैक लोगों के, इंसान तो इंसान है। अब एक व्यक्ति, कोई गारंटी है कि ब्लैक लोगों के समाज में जन्म लिया हो तो बुरा ही हो, और गोरे के समाज में जन्म लिया हो तो तुम धर्मात्मा हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से सरकार चलाना अन्यायपूर्ण तो है ना, गलत है ना। तो इसीलिए इस गलत चीज के हटने पे गोरों को भी शायद खुशी ही मिली होगी कि चलो हटाओ, जो हमारे हिसाब से सरकार चल रहा था वो गलत था। तो उस सरकार को एपार्थाइड सरकार कहा जाता है, ठीक है मित्रों। और मित्रों ये जान लो, लाखों के संख्या में प्रिटोरिया शहर में ये लोग आए, जैसे हम मनाते हैं ना 15 अगस्त, वैसे ही मना रहे थे। न मर्द, न सिर्फ महिला, अरे न बच्चे, सारे नस्ल के लोग। नस्ल का मतलब होता है रेस, जैसे काले लोगों का रेस नस्ल, तो कहते हैं ना कि इस नस्ल का घोड़ा है, इस जाति का गाय है, तो ये गाय बहुत बड़ी साइज की नहीं होती, तो नस्ल बोलते हैं उसे, समझ गए ना, नस्ल बोलते हैं, रेस बोलते हैं। तो अलग अलग रेस के लोग वहां पे आए, ब्लैक रेस के लोग हो गए, गोरे रेस के हो गए। वैसे रेस तो ब्लैक और व्हाइट में नहीं होता है, मैं कह रहा हूं जैसे मंगोलियन रेस है, ठीक है, आर्यन, द्रविडियंस ऐसे बोला जाता है। तो मित्रों अब इसी से जुड़ी हुई आगे की कहानी है, इसको सुनना जरूरी है। दिन है 10 मई, दिन है 10 मई, और 10 मई का दिन बहुत ही खूबसूरत, कुदरत ने भी उस दिन को खूबसूरत बना दिया, प्रकृति ने भी। जब सुबह हुई मित्रों, सुबह को डाउन, प्रातः को डाउन कहा जाता है, ठीक है, DAWN नहीं, प्रातः हुई, डाउन हुई, तो आकाश एकदम खुला, उजला आकाश, साफ सुथरा, मन खुश हुआ। और यहां नेल्सन मंडेला के माध्यम से कुछ बोला जा रहा है बातों को, वो अपनी कहानी को बोल रहे हैं, तो मैं उनके संदर्भ को लेके मैं आगे की ओर बातों को बोलता हूं। यहां बोला जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से अलग अलग जगहों से आए हुए महानुभाव, बड़े बड़े व्यक्तियों को डिग्निटरीज कहा जाता है, नेता हो चाहे अफसर हो या कोई भी महानुभाव जो महान व्यक्ति हैं, या फिर विश्व के अलग अलग नेताओं के आगमन से उनसे मीटिंग करके, उनसे बात करके मैं हमें व्यस्त रहा पिछले कुछ दिनों से, वे सब यहां पे अपना आदर देने के लिए आए। हमने जो ये विजय हासिल किया, हमने जो ये अंग्रेजों से या गोरों से अधिकार प्राप्त किया, इस अधिकार और इस खुशी को मनाने के लिए, इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए, और एक उद्घाटन जो आगे होने वाला है उसको मनाने के लिए जो वो लोग आए हैं, उनमें ही मैं व्यस्त रहा। ये नेल्सन मंडेला बोलना चाह रहे, बिसीज्ड रहा, मतलब उनसे ही मैं घिरा रहा, व्यस्त रहा, उनके बीच में भी मैं फंसा रह गया।
जहां तक इस समारोह की बात है, नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं, जहां तक इस उद्घाटन की बात है, ये उद्घाटन एक तरह से कहा जाए तो विश्व स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा समारोह होगा, क्योंकि इतने संख्या में विश्व के अलग अलग क्षेत्रों से नेता किसी दूसरे देश के समारोह में ऐसे नहीं आए होंगे। जहां तक इस समारोह की बात है, जो यह एरिना बना हुआ है, एमपी थिएटर जिसके बारे में मैंने कहा, यह इतना खूबसूरत है, जो कि सैंड स्टोन से बना हुआ है, मार्बल वगैरह नीचे लगाते हैं तो ऐसे ही सैंड स्टोन भी होता है, ग्रेनाइट वगैरह भी। सैंड स्टोन एक विशेष पत्थर होता है जिससे ये वो एमपी थिएटर बनाया गया था, काफी खूबसूरत। और यह एमपी थिएटर कहां था, जहां पे लोगों को बैठने का व्यवस्था था, वो कहां था? यूनियन बिल्डिंग में था। यूनियन बिल्डिंग उस भवन का नाम था। और ये कौन से जगह पे था? प्रिटोरिया पे। उन्होंने आगे कहा, यही जगह, ये जो जगह है, यहां पे दशकों पहले से, दशकों तक, दशक मतलब 10 साल, डेकेड्स, दशकों तक यह जगह श्वेत लोगों की प्रभुत्व की प्रतीक थी। यहां पे गोरे लोगों का सुप्रीमेसी चलता था। सुप्रीमेसी माने प्रभुत्व, पावर, दबदबा, दबदबा। और आज यही जगह मित्रों एक इंद्रधनुष है। और यह इंद्रधनुष न गोरे लोगों की है, न काले लोगों की है, न कलर्ड लोगों की है, बल्कि विश्व के सारे लोगों के माध्यम से यह जगह भरी हुई है। कल इस जगह पे काले लोगों को आना नहीं मिलता था, आज यहां देखिए हर समाज के लोग हैं। शायद यही नेल्सन मंडेला कहना चाहते थे। और आज का यह समारोह है अद्भुत है, क्योंकि आज के दिन ही इसी भवन में, इसी यूनियन बिल्डिंग में, इसी एमपी थिएटर में सारे विश्व के नेताओं के सामने अपने देश के अलग अलग नस्ल के लोगों और अलग अलग रंग और समाज के लोगों के सामने यहां जनता की चुनी हुई सरकार को स्थापित किया जाएगा, ना कि सिर्फ मुट्ठी भर गोरे लोगों की पहले की तरह सरकार चलेगी। और जनता के सरकार को जनता वाली सरकार कहा जाता है मित्रों। और जनता वाली सरकार लोग की सरकार होती है, लोक की सरकार, इसीलिए उसे, या जनता की सरकार, इसीलिए प्रजा की सरकार, इसे प्रजातंत्र या लोकतांत्रिक सरकार वहां आने वाली है। लोकतांत्रिक सरकार, डेमोक्रेटिक सरकार का मतलब होता है एक ऐसा सरकार जिसमें राजा महाराजा नहीं चलाएंगे मित्रों, उस सरकार को वहां की जनता चलाएगी। तो सारा जनता मिलकर सरकार चला देगा जी, तो जनता अपने वहां से लीडर चुन के भेजती है, कहती है कि यही है हमारे लीडर, ये चलाएंगे। तो इस प्रकार से नेता लीडर किसका हुआ? जनता का हुआ। तो जब चाहेगा जनता अगली बार वोट में उस लीडर को हटा भी सकता है। तो जनता ही पावरफुल है, जनता हटा सकती है, जनता पावरफुल है। तो ऐसे सरकार को जनता की सरकार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे मित्रों? और ऐसी सरकार आने के बाद वहां पे लोकतंत्र की बहाली हुई, इंस्टॉलेशन हुआ, ठीक है। तो वो समारोह किस चीज का था? नेल्सन मंडेला की ताजपोशी का था, माने उस दिन उनको राष्ट्रपति वहां घोषित करना था, वो शपथ लेने वाले थे। एक होता है ना प्रोग्राम, जिस दिन से प्रधानमंत्री मोदी भी जीत के आते हैं तो एक शपथ ग्रहण का समारोह रखा जाता है, जब उस जिस दिन वो कसम खाते हैं कि 5 साल के लिए कि वो देश को अच्छी तरह से चलाएंगे। हर मंत्री को शपथ लेना पड़ता है, कसम लेना पड़ता है मित्रों। यह सरकार लोकतांत्रिक ही नहीं बल्कि अब काले लोगों की सरकार भी नहीं बनी, ना गोरे लोगों की सरकार बन गई उत्पीड़न वाली, बल्कि अब यह सरकार नस्ल से बाहर हटके गैर नस्लीय सरकार बन गई, मतलब नॉन रेशियल गवर्नमेंट, किसी एक नस्ल गोरे लोगों का या उस नस्ल का यह सरकार नहीं रहा, यह सबका सरकार हुआ।
असल में यह लोकतांत्रिक सरकार की। मित्रों, उस दिन मेरी बेटी जिनानी के साथ में निकला, जिनानी ने मुझे अपना साथ दिया, कंपनी दिया, कंपनी को मैंने साथ देना होता है, संघत या जो कहते हैं ना संघत में, वो मेरी संघी संघ बनी, संघत में मैं उसका निकला और मेरी बेटी के साथ में उस समारोह में मेरे को राष्ट्रपति के रूप में औपचारिक रूप से शपथ दिलवाना जो था या फिर जो घोषित करना था, उस दिन मैंने अपने बेटी के साथ निकला। ये नेल्सन मंडेला कोट अनकोट बोल रहे हैं। जब हम दूसरे के बातों को बोलते हैं उनके जगह में खड़ा होकर, तो कोट अनकोट बोलना पड़ता है ताकि ये बात मेरा ना लगे, ठीक है? कोट अनकोट इंग्लिश टीचर से बेहतर ढंग से आप पूछ सकते हैं। मित्रों, कभी भी स्टेज पे आप देखते हो तो स्टेज सामान्य ऊंचाई से थोड़ा ऊपर होता है। मेडल वगैरह खेलकूद में दिया जाता है तो बच्चे एक हाइट पे जाके मेडल नहीं लेते हैं, उसे पोडियम कहा जाता है। ऐसे स्टेज बना हुआ था जहां पे वो चढ़ के मेडल, तो जिस पोडियम पे जाना था उस प्रोग्राम के लेके, नेताएं हैं तो उनका ताजपोशी का मतलब होता है उनको उस दिन नेता पूरी अच्छे से घोषित कर दे, माला वाला पहना के जो होता है। पोडियम पे मिस्टर डी क्लर्क वहीं पे थे और वह वहां पे उनको उपराष्ट्रपति के तौर पे शपथ लेना था। नेल्सन मंडेला ही नहीं थे, जब एक शपथ ग्रहण होता है, कसम खाने के दिन होती है किसी नेता की सरकार में आने से पहले, तो उस दिन उनके साथ और भी नेता शपथ लेते हैं, कसम लेते हैं। तो मिस्टर डी क्लार्क वहीं पे थे और इनको उपराष्ट्रपति मतलब सेकंड प्रेसिडेंट, अगर नेल्सन मंडेला नहीं रहेंगे तो वो देश चलाएंगे, उपराष्ट्रपति मतलब डेप्यूटी माने सेकंड, उनका हेल्पर प्रेसिडेंट बना के रूप में उनको शपथ लेना था। और मिस्टर डी क्लार्क ही एकमात्र उपराष्ट्रपति नहीं थे बल्कि वो द्वितीय उपराष्ट्रपति के मतलब सेकंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के रूप में उन्हें शपथ लेना था। वहीं पे थाबू एम्बेके भी थे, थाबू एम्बेके को प्रथम उपराष्ट्रपति का शपथ लेना था। और जब मेरी बारी आई, यानी कि नेल्सन मंडेला कोट अनकोट, फिर से कोट अनकोट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं उनके जगह पे बैठ के बोल रहा हूं ना, ये तो मेरी बात तो है नहीं, इसीलिए कोट अनकोट बोलना पड़ता है, ठीक है? जब मेरी बारी आई मैंने नेल्सन मंडेला की, तो मैंने प्रण लिया, प्लेज किया ताकि मैं मानूंगा, ओबे करूंगा। किस बात को आगे बता रहा हूं, मैंने प्रण लिया कि देश की कानून की किताब यानी संविधान, देश का जो कानून है, जो सबसे बड़ा कानून, सबको पता है देश का कानून जो पुलिस मनवाती है, देश के कानून का मैंने शपथ लिया कि मैं देश के कानून को मानूंगा और देश के कानून को हमेशा बरकरार रखूंगा, अपहोल्ड करूंगा, उसको टूटने या बिखरने नहीं दूंगा, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं। और यह जो गणतंत्र बन चुका है आज से, साउथ अफ्रीका, गणतंत्र उस देश को बोलते हैं यानी कि जिसे इंग्लिश में रिपब्लिक कहते हैं, इसका मतलब होता है एक ऐसा देश जिस देश का एक मुखिया एक हेड होता है और उस हेड को जनता चुनती है, ऐसे देश को पॉलिटिकल साइंस में गणतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो नेल्सन मंडेला हेड हुए पर उनको भी जनता ने चुना, तो इसीलिए गणतंत्र हुए। उन्होंने कहा कि मैं हमारे देश के जनता के लिए और हमारे गणतंत्र के भलाई के लिए काम करूंगा, वेलबींग मतलब भलाई। और उन्होंने आगे क्या कहा सो मैं बताता हूं, आगे जो है वो कह रहे हैं, सो मैं बोल रहा हूं। आज हमारे इस सभा में उपस्थिति के माध्यम से यह जो नया नवेला जन्मा
आजादी है, स्वतंत्रता है, लिबर्टी है, जिसे आजादी कहा जाता है, मुक्ति। इस मुक्ति के सभा में जहां मुक्त लोग आज हो गए, लिबरल हो गए, लिबरेट हो गए, लिबर्टी हो गई, उनको आजादी मिल गई, यहां उपस्थित होके इस सभा को हम सम्मान प्रदान कर रहे हैं। न सिर्फ मैं, आप अलग अलग विश्व के क्षेत्रों से आए हुए लोग आज इस सभा में उपस्थित होके जो आज के यहाँ के पीड़ित लोगों को, कल के पीड़ित लोगों को, आज जो यहाँ पे सभा में मुक्ति और आजादी मिली, आप इस सभा में आए, आपके माध्यम से इसे सम्मान दिया जा रहा है। मित्रों, आगे वो कह रहे हैं, जो भी मानवीय आपदा रहा, ह्यूमन डिजास्टर, आपदा होता है बुरा घटना, डिजास्टर माने बुरा घटना, कहीं पहाड़ टूट जाना, तूफान आ जाना, मनुष्य के जीवन में भी आपदा होती है, बुरी घटना होती है। जब 20-20 साल तक, 50-50 साल तक समाज में एक वर्ग के लोगों के साथ अन्याय किया जाएगा तो यह बुरा घटना नहीं है, तो इसको भी तो डिजास्टर ही माना जाएगा, बुरा घटना। ये मनुष्य का बुरा घटना, वो प्रकृति का था, बाढ़ आ जाना, अंधड़ तूफान आ जाना। तो मनुष्यों के साथ जो ये अद्भुत, असाधारण, असाधारण मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो सिंपल नहीं था, जो ये असाधारण मानवीय आपदा हुआ, जो बहुत लंबे समय तक समाज के एक वर्ग के साथ, विशेष तौर पे अश्वेत वर्ग के साथ किया गया, अश्वेत वर्ग के लोगों के माध्यम से, यह बहुत बुरा रहा और इसको जो हटाया गया यह बहुत आवश्यक रहा। जो भी व्यक्ति पहले गैर कानूनी थे, आउटलोड मतलब गैर कानूनी, आज वो कानूनी हो गए, आज हमारे को इसी देश में, इसी राष्ट्र में, यहीं के भूमि में अद्भुत सम्मान दिया जा रहा है। विश्व के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए गणमान्य व्यक्ति आज के इस सभा में जो आए हैं, न्याय, शांति और मानव सम्मान की जो यह विजय हुई है, न्याय मतलब जस्टिस, न्याय करना, अन्याय न्याय, और शांति जो ये फैला है, शांति बहाल हुई है सबके मन में, और मनुष्यों की जो सम्मान आगे ऊपर तक आई है, रंग भेद की सरकार समाप्त करके, इसको जो आप आके सम्मान प्रदान किए हैं, इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूं। कम से कम अंत में हमने राजनीतिक रूप से ही सही, उस रूप से भी सही, आजादी हमने विभिन्न प्रकार की रोक टोक से पाली, इमेंसिपेशन मतलब रोक टोक से जो है आजादी को कहा जाता है। हम न सिर्फ अपने समाज के या फिर एक विशेष समाज के वर्ग की बात कर रहे हैं, बल्कि हम इस बात का प्रण ले रहे हैं या ले चुके हैं कि हम हरेक उस व्यक्ति को बाहर निकालेंगे गरीबी के चंगुल से जो उनमें वो फंसे हुए हैं, हम हरेक उस व्यक्ति को जो बहुत विभिन्न प्रकार के चीजों से वंचित है उससे बाहर निकालेंगे, वंचितों को बाहर निकालेंगे, जो किसी चीज, जो किसी को कुछ नहीं मिलता तो उससे वो वंचित है, हम हरेक उस व्यक्ति को बाहर निकालेंगे कठिनाई से जो कठिनाई का सामना कर रहा है,
और हम हर एक उस व्यक्ति को बाहर निकालेंगे उस कठिनाई से जिस कठिनाई में उसे जेंडर के नाम पे अन्याय किया जाता है, मर्द महिला के नाम पे, उसके जेंडर देख के, लिंग के आधार पे अन्याय, मतलब डिस्क्रिमिनेशन। मित्रों फिर कभी और नहीं, हमारे इस खूबसूरत पृथ्वी पे हम जो उत्पीड़न हमने झेला, जो ऑपरेशन हमने झेला, उसे फिर कभी वापस आने नहीं देंगे, ना एक दूसरे पे वैसा कुछ करेंगे। मित्रों यहां नेल्सन मंडेला आगे कह रहे हैं, आज जो ये सूरज उगा ऐसा फिर, आज का ये जो दिन है सूरज से, वो कह रहे हैं इसके उगने के बाद आज यह महा, आज यह साफ सुथरी खूबसूरत जो दिन प्रातः हुई, और आज ये जो सूरज उगने के बाद जो सूरज ढलेगा, मनुष्य की ऐसी महान उपलब्धि, अचीवमेंट, कुछ चीज हासिल करते हैं तो उसे अचीवमेंट, उपलब्धि कहते हैं, उपलब्ध होना, ऐसी मनुष्य की अद्भुत उपलब्धि को फिर कभी सूरज ने भी नहीं देखा होगा इस पृथ्वी पे। मित्रों आज सूरज शान से डूबेगा, कहेगा कुछ अच्छा देखा हमने आज, आज का दिन महान था, आज कहीं न्याय अन्याय के जगह पे शक्तिशाली हो, आज कहीं पीड़ित मजबूत हो गया, आज कहीं परेशान खुश हो गया, और आज का यह दिन सूरज के लिए ऐतिहासिक होगा। मित्रों और उसके बाद नेल्सन मंडेला ने कहा कि ईश्वर करे यह जो आजादी है हमने हासिल की, फ्रीडम मतलब आजादी मित्रों, यह आजादी हमेशा राज करे। राज करना मतलब रेन करना, रेन का स्पेलिंग है REIGN। यह आजादी का साम्राज्य हमेशा बना रहे, हर कोई आजाद रहे, फिर दमन और उत्पीड़न का राज ना आए, कुचलने का, दूसरे को दबाने का, परेशान करने का ऐसा राज ना आए। यह उन्होंने कल्पना की, यह उन्होंने ईश्वर से कामना की कि ऐसा कुछ हो, और उन्होंने कहा ईश्वर करे कि हमारे साउथ अफ्रीका पे, दक्षिण अफ्रीका पे ईश्वर की आशीर्वाद हमेशा बनी रहे। मित्रों नेल्सन मंडेला ने जो अपना भाषण दिया, इस भाषण में बहुत सारी बातें उन्होंने कही, और भी आगे की बहुत सारी बातें उन्होंने फिर कही होंगी, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। इससे पहले बहुत सारी प्रश्न यहाँ पे ऑलरेडी बन चुके हैं, जैसे कि पहला प्रश्न, वेयर डिड द सेरेमनीज टू प्लेस, ये समारोह कहां पे हुआ, तो ये प्रिटोरिया शहर में हुआ। कौन से भवन में हुआ, यूनियन बिल्डिंग में हुआ। वहां कहां हुआ मित्रों, एमपी थिएटर में हुआ। कैसा था, सैंड स्टोन से बना हुआ था, आनंद आ गया मित्रों। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। फिर वहां पे आगे प्रश्न, इसी में सप्लीमेंट्री एक और एडिशनल क्वेश्चन है, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, क्या भारत में सैंडस्टोन से बनी हुई किस सरकारी इमारत के बारे में बोल सकते हैं। जरा सोचिएगा घर में जाके, क्या चार मीनार, क्या भारत के पार्लियामेंट संसद भवन, या क्या जंतर मंतर दिल्ली में है ये जगह, या लाल किला सैंडी स्टोन से बना हुआ है। घर में जाइएगा, किताबों को खोलिएगा, आनंद लीजिएगा और उत्तर लेके आइएगा। दूसरा प्रश्न है, कैन यू शेयर हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में क्यों 10 मई को ऑटम का एक दिन माना गया, ऑटम एक समर, ऑटम स्प्रिंग जो मौसम होता है उसको क्यों कहा गया। ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप ढूंढ के लाइएगा। और भी बाकी 3 प्रश्न है, आप खुद देखिएगा, उनका उत्तर लाइएगा।
तो जब तक आप उत्तर लाइएगा तब तक मैं आगे इसको लेकर चलता हूं। मित्रों, कुछ देर बाद भाषण दे रहे हैं मंडेला जी, अब कुछ देर बाद कुछ हुआ बताता हूं। कुछ देर बाद जैसे मैंने कहा हमने जब निगाहों को ऊपर किया, आंखों को ऊपर करके जब अच्छी तरह से देखा आकाश में, तो जेट एरोप्लेन्स, जो जेट फाइटर एरोप्लेन्स होते हैं, जेट प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, वो उड़ रहे हैं। विभिन्न प्रकार के कलाकृतियों को बना के आकाश में डिजाइन्स बना के, जैसे रिपब्लिक डे में होता है, देखे होंगे टीवी में हमारे यहां। और जिनमें सैनिक मौजूद हैं, गड़गड़ा के आवाज निकली, गड़गड़ाने को शेर के गड़गड़ाहट को रोअरिंग कहा जाता है। तो जेट फाइटर प्लेन कहीं से गुजरेगा और गड़गड़ाहट ही नहीं होगा तो मजा कहां से आएगा। तो गड़गड़ाहट भी हुई, यह बात बताने के लिए सावधान, दुनिया जान जाए आज हम आजाद हो चुके हैं, ऐसा उत्सव मनाया गया आकाश से भी। मित्रों, जो यह अद्भुत दृश्य आकाश में जेट फाइटर प्लेन्स के माध्यम से बनाया गया डिजाइन देखने योग्य था, एकदम सटीक, पिन पॉइंट प्रिसीजन, मतलब सटीक, बिल्कुल भी नापातुला टाइप का डिजाइन बनाया गया। और इससे जो मिलिट्री बल है, सैन्य ताकत है, इसकी एक अद्भुत एग्जाम्पल, एक उदाहरण दिखाई गई कि देश में सैन्य